नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं गर्भपात हो जाने के बाद महिला के शरीर में किस प्रकार के लक्षण आते हैं। गर्भपात किसी भी महिला के लिए काफी कठिनाई वाला समय होता है। इस समय महिला शारीरिक और मानसिक तौर पर काफी ज्यादा पीड़ित हो सकती है। ऐसे में महिला को काफी ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता भी होती है और यही बात महिला के परिवार वालों पर भी लागू होती है कि वह भी महिला का विशेष ध्यान रखें। गर्भवती होने के बाद महिला संतान नहीं चाहने की स्थिति में शुरुआती समय में गर्भपात की ओर मुड़ जाती है। वहीं कभी कभी महिला प्रेगनेंसी को आगे तो ले जाना चाहती है, लेकिन शुरुआती 3 महीनों में बहुत से कारणों की वजह से गर्भपात की संभावना बन जाती है। दोनों ही अवस्था में गर्भपात होता है उसमें महिला को काफी सारे लक्षण नजर आते हैं। प्रेगनेंसी के शुरू के 3 महीनों में गर्भपात की समस्या देखने में ज्यादा आती है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस, कुछ ऐसी चीजें जिनकी वजह से यह ऐसा होता है। स्त्री और पुरुष के जीन्स कभी कभी आपस में सही तरीके से बॉन्डिंग नहीं कर पाते हैं तो गर्भपात की स्थिति बन जाती है। कभी कभी गर्भाशय में स्थापित सही तरीके से नहीं हो पाता है तो भी गर्भपात हो सकता है। महिला का गर्भाशय छोटा होता है, उसमें कोई रसोली या गांठ होती है, इस प्रकार की समस्या में भी गर्भपात हो जाता है। अगर उसका स्पर्म कमजोर होता है और वह गर्भ को आगे ले जाने में सक्षम नहीं होता है तो गर्भपात हो सकता है। कभी कभी अनजान में महिला इस प्रकार की एक्टिविटी कर बैठती है जिसकी वजह से गर्भपात की समस्या नजर आ सकती है। अगर महिला को थायराइड की समस्या है तब भी गर्भपात हो सकता है। तो अगर गर्भपात हो गया है तो फिर उसके लक्षणों पर एक बार बात कर लेते हैं। अगर दुर्भाग्यवश किसी माता बहन के साथ गर्भपात की स्थिति बनती है तो किस प्रकार के लक्षण बाद में नजर आते हैं उन पर बात करते हैं, क्योंकि इन लक्षणों का आना सामान्य होता है। इनमें ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। आप इन लक्षणों को लेकर डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी ले सकते हैं और यह लक्षण धीरे धीरे स्वयं ही समाप्त हो जाएंगे। गर्भपात के बाद एक लक्षण काफी सामान्य है, इसमें महिलाओं को रक्तस्राव की समस्या का सामना करना पड़ता है और यह रक्तस्राव कुछ दिनों तक चल सकता है। किसी किसी महिला को यह हल्का और किसी किसी महिला को भारी रक्तस्राव हो सकता है। गर्भपात हो जाने के बाद महिला को अपने पेट में दर्द का अनुभव हो सकता है, क्योंकि अबॉर्शन नॉन नेचुरल प्रक्रिया है इसलिए पेट दर्द होना सामान्य बात है। मतली लगना प्रेगनेंसी होने की निशानी माना जाता है, लेकिन अगर शुरुआती दिनों में गर्भपात की स्थिति बनती है तो उसके बाद भी कुछ दिनों तक आपको मतली लगने की समस्या नजर आ सकती है। गर्भपात के बाद महिला को थोड़ा कमजोरी की स्थिति बनती है तो इस स्थिति में महिला को काफी ज्यादा ठंड लगने का अनुभव हो सकता है। कुछ महिलाओं को यह भी शिकायत आती है कि उन्हें काफी ज्यादा गर्मी लग रही है, यह भी गर्भपात के सामान्य लक्षणों में आता है। जैसे ही महिला गर्भवती होती है तो उसके स्तरों में दूध ग्रंथियों का विकास शुरू हो जाता है और कुछ समय बाद दूध भी बनने लगता है। ऐसे में अगर गर्भपात की स्थिति बनती है तो महिला के स्तरों में बहुत ज्यादा दर्द का अनुभव होता है। कभी कभी इसके लिए महिलाओं को ट्रीटमेंट भी लेने की आवश्यकता पड़ती है। गर्भपात के बाद महिला को डायरिया की समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। कुछ महिलाओं को कुछ समय तक उल्टियां होने की समस्या भी नजर आती है। दोस्तों, यह थे कुछ सामान्य लक्षण जो गर्भपात के बाद आपको नजर आते हैं। अगर आपको कुछ मामलों में ऐसा लगता है कि लक्षण कुछ हद से ज्यादा आ रहे हैं, आपको कुछ ज्यादा ही समस्या हो रही है, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमसे इस टॉपिक पर बात करना चाहते हैं या अपनी कोई बात रखना चाहते हैं या हमें कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।